कानपुर नगर सार थाना भीतर गांव समीप कल शनिवार देर रात्रि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर रविवार करीब 1 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उड़न खटोले से कानपुर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरे तथा अधिकारियों से घटना के संबंध में अपडेट लेते हुए सतीश महाना के साथ कानपुर हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना और मृतकों को लेकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से शोक संवेदनाओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि पीएम रिलीफ फंड से मिली मदद की जानकारी देते हुए बताया गया कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीड़ितों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद राशि के बराबर राज्य सरकार द्वारा भी मदद की जाएगी। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा कि स्कूल कॉलेज से लेकर महत्वपूर्ण संस्थानों और विभागों को जोड़कर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके उपरांत मुख्यमंत्री कानपुर सार थाना क्षेत्र के कोरथा गांव खाटमपुर कानपुर नगर के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी, इसमें भी 5 मौतें हुई हैं और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका उपचार भी यहीं पे मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम उपचार में लगी है, पूरी तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। जिन परिवार वालों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करने, घायलों को देखने के लिए ही मैं और